है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीट मोल्ड के बारे में। ठीक है, कंप्लीट मोल्ड को समझेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे, जो भी पार्ट डिज़ाइन होता है उसका, जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे वो देखेंगे। देखो इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे पार्ट का डिज़ाइन और उसकी मैनुफैक्चरिंग ड्राॅइंग को। पार्ट के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन लगता है उस मॉडिफिकेशन को हमको करना पड़ेगा, उस मॉडिफिकेशन को भी हम लोग देखेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले हैं मोल्ड का डिजाइन और उसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग कैसे हम लोग करते हैं, राइट। उसके बाद है बॉम, विच इज द बिल ऑफ मटेरियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। बिल ऑफ मटेरियल अगर नहीं होगा तो हम लोग उसकी कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते, राइट। तो चलिए इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं पार्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सी, दिस इज द पार्ट। बेसिकली जो ये पार्ट दिख रहा है ये एक हैंडल है, आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये आपका हाउस होल्ड का प्रोडक्ट है और यहाँ पर कुछ पोर्शन है यहाँ पर, तो इस पोर्शन में आपका जो सफाई के लिए झाड़ू यूज होता है ना, तो प्लास्टिक के झाड़ू होते हैं, राइट। तो बेसिकली वो यहाँ पर लगने वाला है, तो ये उसका हैंडल है, राइट। तो इसके लिए अगर मुझे मोल्ड क्रिएट करना है, मुझे मोल्ड को बनाना है, राइट। तो यहाँ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट के लिए मुझे क्रिएट करना है, राइट। तो मान के चलो ये पार्ट मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, ठीक है। तो ये पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पर नजर आ रही है कि इस तरह से मैंने पार्ट को डिजाइन किया है, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग अगर देखूँ तो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग मुझे इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग को समझते हैं जरा, वन मिनट, ठीक है। तो देखिए, सी दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग फॉर दिस कंपोनेंट। देखो कि भाई यहाँ पर इसके कुछ ड्राइंग्स हैं, तो जो वहाँ पर मैंने कुछ ओपन में डायमेंशन इसके दिए हुए हैं, ठीक है, ताकि मैं कस्टमर को शो कर सकूँ कि भाई इसका लेंथ कितना है। तो यहाँ पर जो इसका लेंथ रहेगा या फिर जो भी इसका वेट रहेगा वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। इसको मैं सभी को मैं अपडेट कर दूँ एक बार, तो कुछ इस तरह से आपको ये नजर आएगा, लाइक देखो, ठीक है। तो बेसिक डायमेंशन मैंने आपको दिए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट दिया है मैंने कि ऑल द डायमेंशन एम, ऑल द अनडिफाइंड जो रेडियस रहेगी वो 1 mm रहेगी, सभी डायमेंशन रहेंगे वो mm में रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस है वेट ऑफ द कंपोनेंट जो है वो 23 ग्राम का है। कस्टमर मॉडिफिकेशन के लिए बोलता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि भाई कस्टमर बोलता है बोले मॉडिफिकेशन करना है सर इसका, तो हम लोग क्या करें, राइट। तो अभी मैंने 129 mm वाला पार्ट खोल के रखा है, तो जब मैं मॉडिफाई करूंगा तो इसका मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से रहेगा। सी, तो मैंने इसका कुछ मॉडिफिकेशन करा है, इसका लेंथ चेंज करा है, और लेंथ चेंज करने के बाद इसका जो टोटल ओवरऑल लेंथ जो हो चुका है वो हो चुका है 145 का लेंथ, ठीक है। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हो चुका है 145 mm। ओके, पहले जो डिस्टेंस था वो कितना था, 129 mm, ठीक है, 129 mm, राइट, ठीक है। तो अब इसका मुझे ड्राइंग शेयर करना पड़ेगा विद द कस्टमर, राइट। तो इसका भी हम लोग ड्राइंग को देखते हैं एक बार कि भाई इसका ड्राइंग किस तरह से नजर आएगा। चलिए 1 मिनट, ठीक है। सी, दिस इज द ड्राइंग फॉर दिस कंपोनेंट, कि भाई इसका मैं जो मॉडिफिकेशन कर दिया है, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद मुझे किस तरह से नजर आने वाला है। सी, तो यहाँ पर 145 का इसका लेंथ हो गया है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और यहाँ पर इसके कुछ ओवरऑल डायमेंशन है, राइट। सी, दिस इज द सेक्शन व्यू। तो मैंने सभी ओपन में डायमेंशन दिया है कि भाई एक बार कस्टमर को यह समझ में आ जाए कि हमारा जो कंपोनेंट है वो बन चुका है, और हमारा जो बोल सकते हो कि भाई विजुअल जो है वो इसका रेडी हो चुका है, ठीक है। तो जब आपका एक बार कंपोनेंट तैयार हो जाता है तब उसका आप मोल्ड को डिजाइन कर सकते हो, लेकिन वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर ने उसको वेरीफाई किया है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए रेंडरिंग के लिए हम कुछ कंपोनेंट शेयर करेंगे, भाई सी दिस इज द रेंडरिंग ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। उसके मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग शेयर करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग हम लोग कस्टमर को बताएंगे कि सर दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग फॉर द कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग है, राइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये कंपोनेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, मोल्ड बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि इसके लिए 6 cavity मोल्ड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोगों ने मोल्ड क्रिएट करा है, तो इसका 6 cavity मोल्ड किस तरह से रहेगा, मैं एक काम कर देता हूँ, इसको जरा हटा देता हूँ यहाँ से। सी, इस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा मोल्ड बना है वो बेसिकली कैसा है भाई, वो 3 plate मोल्ड है। सी, यहाँ पर ये स्लाइडर वाले पोर्शन को हटा देता हूँ। सी, दिस इज द साइड कोर, दिस इज द साइड कोर, सी, राइट, ओके, आई होप आपको समझ में आना चाहिए भाई। सी, राइट, ठीक है, यहाँ से बुश को हटा देता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है, और ये बोल्डिंग है जो कि रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो सी, दिस इज नथिंग बट दिस इज द 3 plate मोल्ड, हम लोग 3 plate मोल्ड को क्रिएट कर रहे हैं इस कंपोनेंट को क्रिएट करने के लिए। तो इसका जो गेट पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आने वाला है, राइट, इसका जो गेट पॉइंट आने वाला है वो यहाँ पर आने वाला है,
वन एंड दिस इज द टू, राइट। तो एक यहां पर रहेगा, दूसरा यहां पर रहेगा, इसी तरह से सभी कंपोनेंट के लिए गेट मार्क उसी पोजिशन पर रहेंगे, राइट। सी, अब इसके अंदर जो अंडरकट है वो ये वाला अंडरकट है सी, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसके फिक्स्ड हाफ की बात करूं, सी दिस इज द फिक्स्ड हाफ, राइट। स्लाइडर वाला पोर्शन तो वही उधर ही जाने वाला है, तो मैं इसको उधर ही भेज देता हूं सी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, सी दिस इज द स्लाइडर पोर्शन, ये रहा स्लाइडर पोर्शन, यही हमारा पोर्शन जो है ये मूव करने वाला है, राइट। तो इससे हम लोग क्या अटैच करेंगे, एक रॉड अटैच करेंगे विद द हाइड्रोलिक सिलेंडर, क्योंकि भाई इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर हमको हाइड्रोलिक सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, राइट। तो कंट्रोल एच करके देखो, दिस इज द सेक्शन व्यू फॉर द, ठीक है, दिस इज द सेक्शन व्यू फॉर द मोल्ड, वन मिनट, राइट। चलो ठीक है, सी दिस इज द सेक्शन व्यू। तो ये देखना जरूरी है कि भाई ये वाला जो पूरा का पूरा कोर वाला पोर्शन है सी, ये जो पूरा कोर वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहां पर, तो बेसिकली ये पूरा स्लाइडर के साथ कनेक्टेड है, और यहां से मैं एक रॉड कनेक्ट करूंगा विद द हाइड्रोलिक सिलेंडर, राइट। यहां पर ये जो अंडरकट है वो इतना पोर्शन है, यहाँ पर जो अंडरकट है वो इतना पोर्शन है, और मुझे यहाँ पर मल्टी कैविटी क्रिएट करना है, तो मल्टी कैविटी के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है, वो है भाई थ्री प्लेट मोल्ड। तो थ्री प्लेट मोल्ड में मुझे इस तरह से एक रनर प्लेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पूरे कंप्लीट मोल्ड को एक बार सेक्शन व्यू में आपको क्रिएट करके बताता हूँ। सी दिस इज द सेक्शन व्यू ऑफ द कंप्लीट मोल्ड, राइट। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द रनर, ठीक है। मैं एक बार इसको सेंटर में ले लूँ क्या, एक बार, वन मिनट, ठीक है। तो ये सेंटर में आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, राइट। और अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सरका लेते हैं लाइक दिस, देखो सी, ओके सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्लाइडर मैकेनिज्म, दिस इज द स्लाइडर मैकेनिज्म। तो ये हील ब्लॉक जो रहेगा वो कैविटी वाले पोर्शन के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे कंपोनेंट का एक बार सेक्शन व्यू फिर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला है लाइक दिस सी, ठीक है सी, ठीक है। यहां पर बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां पर हमको रेडियस देना पड़ेगा, राइट। यहां पर हमको एक रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिगेटिंग के लिए यहां पर जो ये है, ठीक है, इसका हमको यहां पर रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो रेडियस विल बी लाइक दिस, ये आसानी से डिगेट हो जाएगा फ्रॉम द कंपोनेंट। तो ये चीज थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो ये है कंप्लीट हमारे पास मोल्ड, ठीक है। अब इस मोल्ड की हमको एक मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं कि अभी हमारा मोल्ड पूरा कंप्लीट बन के तैयार हो चुका है, भाई ऐसा नहीं, ये रिवीजन में भी जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए हमको कि भाई एक रिवीजन में भी जा सकता है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, राइट, ठीक है। सी दिस इज द कंप्लीट मोल्ड, ठीक है। मोल्ड का हम लोगों ने 3D डिजाइन किया है, तो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अब यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग को हम लोग देखेंगे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग ओवरऑल डायमेंशन भी हम लोग इसके दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई ओवरऑल डायमेंशन आप उसके देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, राइट, ठीक है। अगर नहीं देना चाहते हो तो भाई मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग समझते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग यहाँ पर हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग हमको करनी पड़ेगी, राइट। सी दिस इज द एंगुलर स्लाइडर एंगुलर पिन का हम लोगों ने कुछ डायमेंशन दिया है। तो यहाँ पर ये जो डायमीटर ये रहेगा 14 का डायमीटर रहेगा, G6 इसका क्या रहेगा, टॉलरेंस रहेगा, ठीक है। और बाकी ये सभी डायमीटर रहेंगे विद इन एंगल, ये जो इसका इसके साथ एंगल जो रहेगा वो 16 डिग्री का रहेगा, जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया, विच इज रिक्वायर्ड एंगल, राइट, जो कि रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक है। 16 डिग्री से लेकर आप 20 डिग्री तक का एंगल ले सकते हो, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द बॉटम प्लेट, ठीक है। यहां पर ये क्या है भाई, बॉटम प्लेट है। तो बॉटम प्लेट के कुछ मैंने ओपन में डायमेंशन आपको बताया है यहां पर, ठीक है। अभी टॉलरेंस देने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होल्स वगैरह है वहां पर टॉलरेंस दे सकते हो, राइट। ये देखो S7 4 प्लेस, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपको ड्रॉइंग उसका देना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको ड्रॉइंग शो करना पड़ेगा भाई लाइक दिस, ठीक है। अब और कुछ ड्राइंग्स देखते हैं, जैसे बुश के लिए ड्राइंग मैंने दिया है यहाँ पर, जो भी जो बुश रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये वाला डायमीटर जो आउटर डायमीटर है वो P6 है, मतलब प्रेस फिट है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है होल है वो S7 है, जिसके अंदर हमारा गाइड पिलर मूव करेगा, राइट, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कैविटी प्लेट लूँ तो कैविटी प्लेट के भी आपको कुछ डायमेंशन नजर आएंगे। सी दिस इज द कैविटी प्लेट डायमेंशन विच इज द क्रिटिकल डायमेंशन, कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो 300 mm का है ये भी हमारा क्रिटिकल है, लेकिन मैंने उसको भी ओपन में दिया है, राइट, ठीक है। दिस होल विल बी द S7 ऑन 4 प्लेस, राइट, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, अगर मेरे पास कुछ है जैसे स्लाइडर के लिए, तो स्लाइडर के लिए मेरे को एक इंसर्ट लगेगा, लोकल इंसर्ट लगेगा। तो उस लोकल इंसर्ट के लिए मुझे अलग से एक ड्रॉइंग क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसमें 6 इंसर्ट लगेंगे मुझे, जो कि स्लाइडर के साथ अटैच होंगे, राइट।
तो ये कुछ डायमेंशन उसके लिए मुझे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तो विच इज दिस इज नथिंग बट दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ड्रॉइंग जो कि कस्टमर के लिए हमको क्रिएट करनी होती है, राइट। ठीक है, रेंडरिंग की बात करूं तो जब हमारा मॉडल बन के तैयार हो जाता है तो हमको कुछ रेंडरिंग इमेजेस हमको कस्टमर को प्रोवाइड कराना होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी दिस इज द इमेजेस कि भाई 3D में आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि किस तरह से आपका मोल्ड क्रिएट हुआ है फॉर दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के लिए, राइट। तो दिस इज द आइसोमेट्रिक व्यू, राइट। तो कोर साइड और द कैविटी साइड आपको शो करना पड़ेगा, सी दिस इज द कैविटी साइड, है ना, और दिस इज द कोर साइड, ठीक है, या फिर मूविंग साइड बोल सकते हो, दिस इज द फिक्स्ड हाफ, ठीक है, और दिस इज द मूविंग हाफ, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको शो कर सकते हो। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल देखते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट करते हैं। देखो जरा यहाँ पर इसका कुछ बिल ऑफ मटेरियल है, तो यहाँ पर हमको आप बताना पड़ेगा कि भाई बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी साइज कितना है, क्वांटिटी कितनी है और मटेरियल कितना लग रहा है। ठीक है, मटेरियल कौन सा मटेरियल लग रहा है और कितना मटेरियल लग रहा है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कंपोनेंट नेम है, हैंडल, जो हैंडल कंपोनेंट नेम है, सिक्स कैविटी हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया है विद द फोटो कि भाई ये मोल्ड बन के तैयार हो गया, इसका बिल ऑफ मटेरियल ये है ताकि आप इसकी कॉस्टिंग निकाल सको, राइट। तो ओवरऑल साइज जो है वो ये है, राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कैविटी जो है वो सिक्स कैविटी है, सभी प्लेट का या फिर जो भी पार्ट्स है उसका मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि भाई दिस इज द टॉप प्लेट, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, कोर प्लेट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ भाई आपको, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप प्लेट, राइट, बॉटम प्लेट, कोर प्लेट, कैविटी प्लेट। तो इसका जो साइज है वो ये वाला साइज है, सी दिस इज द साइज, ठीक है, क्वांटिटी इसकी वन है और एम एस मटेरियल रिक्वायरमेंट है, राइट। कोर प्लेट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक है नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी एक है, P20 मटेरियल है। देखो गाइड बुश के लिए देखोगे तो यहाँ पर EN353 आपको देना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल के बारे में नॉलेज होगा तभी आप ये चीज मेंशन कर पाओ, राइट। अब जैसे एग्जांपल के लिए इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट के लिए यहाँ पर मैंने दिया है C45 मटेरियल, ठीक है, C45 मटेरियल, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट, मतलब ओवरऑल कॉस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी, कितने का मटेरियल आएगा, क्या लेना पड़ेगा उसके लिए, साइज, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या रहेगी। तो उसके लिए हम लोग बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट बिल ऑफ मटेरियल फॉर दिस कंपोनेंट जो मैंने मुझे आपको बताना था। एक तो ओवरऑल आपको एक नॉलेज मिल गया होगा कि किस तरह से हम लोग मोल्ड को डिजाइन करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, रेंडरिंग, सिंगल फाइल, सोर्स फाइल फॉर द मोल्ड कंप्लीट, तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप मोल्ड को आप डिजाइन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 1st दिसंबर, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो और यू विल गेट द ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए 8871151975, आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा, तो वहां पर से आप सिलेबस ले सकते हो विद द कंप्लीट डिटेल, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।